क्या हरियाणा में टूट जाएगा भाजपा का महागठबंधन? क्या गिर जाएगी बीजेपी की सरकार? जजपा ने किया बड़ा ऐलान, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में भाजपा से गठबंधन को लेकर जननायक जनता पार्टी जेजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन लठ की तरह बना रहेगा, हम अपना काम कर रहे हैं और भाजपा अपना काम कर रही है। सीटों की बात पर चौटाला ने कहा कि पहले चुनाव तो डिक्लेयर कराएं, उसके बाद बैठकर बांट लेंगे। इससे पहले चौटाला ने कहा था कि वह या उनका बेटा दिग्विजय चौटाला महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी से लोकसभा की 10 सीटें जीतने के दावे पर कहा, हम भी कह रहे हैं कि लोकसभा की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन मिलकर लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। गठबंधन 4.25 साल से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। गठबंधन टूटने जैसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो भाजपा के किसी नेता ने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है। उधर बीजेपी स्टेट के लीडरशिप गठबंधन के मूड में नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत कई नेता इसको लेकर मुखर हैं। दरअसल पिछले 4.25 साल से भाजपा और जेजेपी दोनों मिलकर हरियाणा में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जेजेपी कोटे से दुष्यंत चौटाला सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। उस वक्त जेजेपी को बने महज 1 साल ही हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बने जननायक जनता पार्टी को बांगर यानी जींद और उसके आसपास लगते जिलों में सहानुभूति के रूप से अच्छा वोट मिला, जिसकी बदौलत पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी के साथ आपको बता दें, पिछले महीने यानी दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग पंचकुला में हुई थी, जिसमें जेजेपी के साथ गठबंधन का मुद्दा भी उठा था। इस बैठक में हरियाणा के ज्यादातर नेता गठबंधन के बिना ही चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर आए थे, जबकि हरियाणा भाजपा के प्रभारी बिप्लव देव पहले ही हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें कमल के निशान पर जीतने का दावा कर चुके हैं।